पूर्वी दिल्ली में भी दिवाली की धूम, दुल्हन की तरह सजी है पूर्वी दिल्ली, रोशनी से नहाए है पूर्वी दिल्ली के इलाके, हर जगह है दिवाली का सेलिब्रेशन। दिवाली के मौके पर बस की छतों पर बैठी नजर आई सवारियां, आनंद विहार में नियमों का हुआ उल्लंघन। गाजीपुर में प्लास्टिक ले रही है गायों की जान, खुले में पड़े हैं प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्रशासन नहीं दे रहा कोई थी। विकास मार्ग होगा रीडिजाइन, पार्किंग ना होने की वजह से लगता है जाम, जनता ने कहा 5 साल में सरकार ने नहीं दिया ध्यान। और पूर्वी दिल्ली में गंदा पानी आने से लोगों को हो रही है दिक्कतें, गंदा पानी आने से फैल रही है बीमारियां, शिकायत देने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। सबसे पहले पूर्वी दिल्ली के सभी दर्शकों को दीपावली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली पर आप लोगों के तमाम मनोरथ सिद्ध हों और दीपों की श्रृंखला आपके जीवन को जगमग करे। पूरे देश में दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है, लोग परिवारों के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। दिवाली का त्यौहार रोशनी का त्यौहार होता है, मिल मिलान का त्यौहार होता है, घरों में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जा रही है जिससे घर में सुख समृद्धि आए, ऐश्वर्य आए। पूरी पूर्व दिल्ली की दुकानें दुल्हन की तरह सजाई गई हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और दिवाली की चकाचौंध पूरे देश में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर लोगों में घर जाने का उत्साह नजर आया है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में, जहां लोगों का जन सैलाब घर जाने के लिए उमड़ा हुआ था। इस बीच बस वालों की लापरवाही भी सामने नजर आई। बस पहले छत पर सवारियां बिठाकर ले जा रहे थे, जो कि अधिकतर बसों पर देखने को मिला कि एक तरफ चालान महंगा होने को लेकर सख्त कानून कहा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिवाली के मौके पर आनंद विहार इलाके में धड़ल्ले से नियम तोड़े जा रहे थे। भले ही सरकार की तरफ से लोगों से खरीदारी के लिए अपने साथ कपड़े के थैले लेकर चलने और पॉलीथिन का इस्तेमाल कम से कम करने की अपील की जा रही हो, लेकिन पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपके सामने कई तरह के सवाल खड़े होकर सामने आ जाएंगे। यहाँ जमीन पर बिखरा प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को धरती को नहीं सूखने देता है और इसे खाने से गायों की जान चली जाती है। इलाके के लोगों का कहना है कि हम कई बार संबंधित विभाग से यहाँ कचरा उठाने की मांग कर चुके हैं, बावजूद इसके इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैडम, हम लाखों बार कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं। यहाँ पे लोग MCD में जाते हैं, वो कहते हैं DDA वालों को है, और DDA वाले के पास जाते हैं वो MCD का, वो कहते हैं कि DDA को है ये काम, DDA का हम नहीं करेंगे। यहाँ पे वो आते हैं बराबर वाले में चले जाते हैं लगा के, और यहाँ पे नहीं आते। कुछ नहीं है, जो ये कूड़ा डाल रहे हैं यहाँ की जनता ही डाल रही है, लेकिन डाले काम ऑप्शन है कोई? जो घर से कूड़ा कचरा, कोई गाड़ी नहीं आती, कोई सफाई नहीं होती, जो थोड़ी बहुत सफाई होती है यहाँ के लोग जो है आपस में मिलके थोड़ा बहुत वो करवाते हैं सफाई। ना मेयर आता यहाँ पे, ना पार्षद आती, ना विधायक आता, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई ड्राइवर बनाने को तैयार नहीं है। तो बच्चे भी यहीं से जाते हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, MCD सफाई करने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया भर की बीमारियाँ फैल रही हैं, मच्छर हैं, दिवाली का सीजन वैसे आ रहा है, तो कोई जो है ना पार्षद दिखाई दी यहाँ पे 5 सालों में, ना विधायक दिखाई दिया है। पोलोथीन अभी तो कहीं भी बंद नहीं हो रही, खूब चल रही है यहाँ। तो इससे बीमार भी होंगी? बीमार नहीं होती इससे, गाय मरती है, ये गलती नहीं है ना, तो इसे खाए के तो सब गाय बिल्कुल बीमार हो जाती है, मर जाती है। लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए, उठाना चाहिए। MCD कोई नहीं सुनता, कोई कह देता है DDA का रोड है, कोई कह देता है MCD का रोड है, यहाँ कोई काम करने वाला बिल्कुल नहीं है। गाजीपुर इलाके का नजारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि जो कूड़ा है वो सड़कों पर है, लेकिन कूड़े के अलावा सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर देखा जा सकता है साफ साफ तस्वीरों में कि गाय तो यहाँ पर है ही, कूड़ा भी यहाँ पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है वो
पॉलिथीन की यहाँ पर नजर आ रही है, जिसे खाकर रोजाना कई संख्या में गायें जो हैं वो मरती जा रही हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर लोगों ने हमें जानकारी दी है कि लाखों बार, कई बार चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं, कई बार कंप्लेन की जा चुकी है, लेकिन एक दूसरे पर टाल मटोल का जो रवैया है वो नेता लोग अपना रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से ओपन डलाव कर यहां पर बन गया है, और जिसकी वजह से लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इन जानवरों का हो रहा है जो गायें यहाँ पर आकर पन्नियाँ खा रही हैं। और बताया जा रहा है कि हर दिन गायें जो है वो इन पन्नियों को खाकर मर रही हैं। कैमरा पर्सन मोहित कैंत के साथ वंदना कश्यप, CCN। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जिन 9 सड़कों को रीडिजाइन करने की योजना बनाई है, उनमें ईस्ट दिल्ली के विकास मार्ग को भी शामिल किया गया है। जब इस बारे में स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यहां पर जाम की सबसे बड़ी समस्या है, जिसका प्रमुख कारण रेड़ी पटरी वालों पर रोड पर खड़े होते हैं और यहाँ की पार्किंग व्यवस्था नहीं है। वहीं लोगों ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, सरकार अब चुनाव के समय सुध लेने आई है। देखिए, ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित ये परियोजना थी जो दिल्ली गवर्नमेंट की थी, जिसको कि 3 या 4 साल पहले लगभग इसकी घोषणा की गई थी, और जिसका मैं समझता हूँ कि टेंडर होके और वर्क ऑर्डर इसका पिछले वीक लास्ट वीक में मतलब हो चुका है इसका जो है, और नेक्स्ट वीक जो है अगले सप्ताह में जो है स्थानीय MLA और जो भी जितनी भी सिविल एजेंसी हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं उन सबके साथ हमारी मीटिंग है, और बहुत जल्द इसकी डेट जो है शुरू हो जाएगी, और इस पर जो एक जो विकास मार्ग को एक रोल मॉडल के रूप में जो विकसित करना चाहते हैं उसका काम शुरू हो जाएगा। सब जाम तो आपको पता है पूरी दिल्ली इस हिसाब से बनी है, जैसे यहाँ सरकारों की कोई विजन ही रहा नहीं, जैसे ठेला गाड़ियाँ चलने के हिसाब से उन्होंने सड़कें बनाई हुई हैं, सारे इलाके इसी विकास मार्ग से आगे जाके खुलते हैं, कई कॉलोनियाँ कई विहार हैं उनका एक ही रास्ता है, और इतना व्यस्तम रोड है ये कि यहाँ पर ट्रैफिक की हमेशा जाम रहता ही है। अभी जो है अभी भी आप व्यवस्था देख रहे हैं, कोई ट्रैफिक का वो नहीं है, नियम नहीं है, कुछ भी नहीं, पार्किंग भी अंट संट लगा के लोग चले जाते हैं। जाम का कारण तो बहुत सारे हैं, पर एक कारण यही है कि पार्किंग व्यवस्था प्रॉपर है नहीं यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं और जाम लगता ही लगता है। इलेक्शन आने पर जागी, उससे पहले कब जागी थी, उससे पहले कभी जागी नहीं है, और ये भी नहीं लगता कि अभी 2 साल तक का अभी इन्होंने पोस्टपोन किया है कि 2 साल बाद करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है, उसके बीच में क्या होगा कोई वो नहीं है इसका कि एक राय है कि हाँ भी होगा अभी नहीं होगा। अभी जब इन्होंने बताया था कि इतनी तारीख को ये लास्ट 2-3 महीने पहले से काम चालू हो जाएगा, तो उससे भी पोस्टपोन कर दिया, आगे भी पोस्टपोन कर सकते हैं। एक हमें ना प्रॉब्लम ये भी फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे कि जितनी भी पटरियाँ लग रही हैं अतिक्रमण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और अगर किसी पटरी वाले से पूछो कि हाँ भाई तू यहाँ किसके उससे बैठ रहा है, तो वो साफ खुल के बैठ रहा है जी मैं तो यहाँ बीट वाले को भी पैसे देता हूँ, मैं तो MCD वाले को भी पैसे देता हूँ, मैं तो कमेटी वाले को भी पैसे देता हूँ, मुझे तो किसी का डर ही नहीं है, मुझे तो सब पहले फोन करके बताते हैं अगर कुछ ऐसा होने वाला होता है तो। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में गंदे पानी की वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। पिछले कई दिनों से लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां होने का डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि त्योहारों का समय है, घर में पानी की जरूरत रहती है, लेकिन कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं होती है। लोगों ने विधायक बग्गा से जाकर शिकायत की, पर इस शिकायत से लोग खुश नजर नहीं आए। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द गंदे पानी की समस्या को दूर किया जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। गंदा पानी आने शुरू हो गया, हमने जल बोर्ड अधिकारी को इसकी सूचना दी, रिटर्न में भी दी, कोई कार्रवाई ना होने के बाद हम फिर MLA साहब बग्गा जी के पास गए, पिछले कई दिनों से जा रहे हैं, पूरे गली वाले जा रहे हैं और काफ़ी बीमार हो चुके हैं, और जाने के बाद भी बस वो एक पैड पे लिख लेते हैं, तसल्ली दे देते हैं कि इनसे बात कर लो, इससे बात कर लो, JE को फ़ोन पर वो करते हैं, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमें बड़ी आशा थी कि भाई गवर्नमेंट बदली थी, कुछ आम आदमी पार्टी का कुछ कराएं, लेकिन पहले से बदतर हो रही है, नरक हो रही है ज़िंदगी यहाँ पर। कितनी कंप्लेंट्स करवा चुके हैं हम लोग, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं है, हमें 4 महीने हो गए लगातार एप्लीकेशन देते हुए। पानी गंदा आ रहा है, 3-4 बजे से पानी भरना शुरू करते हैं, 7 बजे पानी चला भी जाता है। 3-4 बार शिकायत करा चुके हैं यहाँ से, हर बार गली वाले जाते हैं कंप्लेंट करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं है। पानी गंदा आ रहा है, कई जगह पे नहीं भी आ रहा, सप्लाई कम आ रही है, पेपर में भी हम लोग दे रहे हैं, और हमारे यहाँ प्लांट की सफाई चल रही है जिसकी वजह से थोड़े लोगों को दिक्कत हो रही है, उसमें मैं क्षमा याचना करता हूँ पब्लिक से। और नए पाइप भी डाल रहे हैं हम, 57 नंबर रोड के ऊपर कार्य चल रहा है 3 महीने से, जो बड़े पाइप हैं उनमें रोका लगा रखा है इन्होंने, सीमेंट के कट्टे लगा के वहाँ काम कार्य पूरा करने के लिए, तो कई जगह लीकेज है सीवर में, सीवर की लीकेज की वजह से पानी में वो लोग मिस हो रहा है, जिससे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सारे पाइप चेंज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पता लग रहा है
वहाँ मैंने पाइप चेंज भी कराए हैं और चेंज होने जा रहे हैं पाइप सारे जो है। वहीं विश्वास नगर में भी लोग गंदे पानी की सप्लाई से परेशान हैं। लोगों का कहना है पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है, हम लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, कई बार तो बाजार से पानी खरीदना पड़ता है। पानी इतना गंदा होता है, पानी तो पीना क्या, किसी और के काम के लायक नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पानी की समस्या को दूर किया जाए। सर एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, पानी पूरा पीला आ रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, इतना गंदा पानी है कि बदबू तक आ रही है इसमें, पानी में बहुत ज़्यादा, और इन्फेक्शन भी हो गया हमारे बच्चों को, बहुत गंदा पानी है और पूरा पीला पीला, आप देख लीजिए खुद, इतनी गंदगी है इसमें, इतना गंदा और अभी भी है। 15 दिन से पहले से ही पानी बहुत ही गंदा हो रहा है, टॉयलेट तक में भी बदबू आ रही है, हाथ धो तो साबुन से ही, तब भी तक बदबू जा नहीं रहा, इतना गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे। बर्तन भी नहीं धो सकते हैं, बर्तनों में भी इन्फेक्शन है, बर्तनों में भी, जैसे बर्तन मांजते हैं तो उसमें भी पानी पीने में भी बदबू आ रही है, बर्तन के अंदर तक उसमें। पानी यहाँ का बहुत गंदा है, पीला पीला पानी है, बर्तन भी साफ नहीं हो रहे हैं इससे, बहुत परेशान है। हाँ साफ सफाई, पानी पीने को अच्छा चाहिए, लेकिन सबको इन्फेक्शन हो रहा है इस पानी से, बहुत पेट में दर्द है, किसी के कोई बीमार पड़ रहा है, बहुत गंदा पानी है, पानी साफ करवाइए प्लीज़ इससे। ये ऐसा पानी है कि मतलब किसी भी फर्श पर डालोगे वो भी पीला पड़ रहा है धीरे धीरे, और ह्यूमन हाइजीनिक में बिल्कुल भी क्लीनलीनेस नहीं है, और जो कि मतलब एज अ ह्यूमन उसको प्रॉपर क्लीन पानी चाहिए, और मतलब उसके ह्यूमन हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, उसकी बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो रही है, स्टमक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो ऐसा तो मतलब जब CM फ्री पानी जब दे रहे हैं तो दिल्ली के जितने भी मतलब नागरिक हैं तो उनको साफ पानी पहुँचाएँ कि, और जहाँ तक ये हो रहा है कि पानी का कोई टाइम ही नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता, और जब आता है तो इतना गंदा आता है कि वो पीने लायक नहीं होता। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने MCD द्वारा शिक्षकों को नोटिस दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने ही मुझसे मुलाकात की थी, हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर हम विचार करेंगे। उन सभी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हमारे यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चों के भविष्य और शिक्षा के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत समय से ऐसा चल रहा था कि क्योंकि परमानेंट टीचर्स हमारे पास आ रहे हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को डर लग रहा था कि कहीं उनकी जो सर्विसेज हैं और उनकी जो सेवाएं हम बंद ना कर दें, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं क्योंकि ये जो परमानेंट टीचर्स जो आ रहे थे एक कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अभी इस पे स्थिति पूरी साफ नहीं है, और बच्चों का भविष्य पूर्वी दिल्ली के जो हमारे स्कूल हैं उनमें जो प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं बच्चे उनके भविष्य को देखते हुए अभी एक प्रपोजल कंसिड्रेशन में है कि इन सभी टीचर्स को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो इसमें हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर के साथ आप सबको मिलेंगे। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।